खाद उद्योगों का मुख्य फोकस ब्रेकडाउन को कम करने और प्रोडक्शन में सुधार लाने पर है। तो बैरिंग सीधे मशीन की लाइफ या ब्रेकडाउन से संबंधित, मैं अश्विनी शर्मा आपका मेंटेनेंस और मशीन हेल्थ एडवाइजर आपको बैरिंग को गर्म करने की तकनीक सिखाने जा रहा हूँ। इसके पहले कि मैं डेमो शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑयल हीटिंग, हैमरिंग और गैस कटिंग रोड बैरिंग लगाने का सही तरीका नहीं है। यहाँ हम बैरिंग को गर्म करने के लिए इंडक्शन हीटर की तकनीक का उपयोग करने की सलाह देते हैं। हैमरिंग से बैरिंग के अंदर आंतरिक दरारें पैदा होती हैं। गैस कटिंग रोड का इस्तेमाल करने पर बैरिंग के अंदर हार्डनेस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऑयल हीटिंग से बैरिंग के अंदर कंटेमिनेशन यानी कि धूल मिट्टी जा सकती है। तो यहाँ हम ARP इंडक्शन हीटर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ARP में एक इंडक्शन हीटर दो मॉडल्स 8 KVA इसका बैरिंग बोर्ड रेंज 20 mm से लेकर 450 mm तक है और 12 KVA इसका बैरिंग बोर्ड रेंज 20 mm से 650 mm तक है। यहाँ हम आपको डेमो में 8 KVA मॉडल पर डेमो दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैरिंग बोर्ड रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको स्पेशलिटी में आपको ARP एक बैरिंग इंडक्शन हीटर की बता देता हूँ। ARP में बैरिंग इंडक्शन हीटर छोटे से छोटे बैरिंग से लेकर के बहुत ही बड़े साइज के बैरिंग तक एक ही यूनिट में कवर कर सकता है, जबकि आपको अदर कॉम्पिटिटर्स अगर आप ARP के देखते हैं तो उनके पास में अलग अलग रेंज के बैरिंग के लिए आपको अलग अलग इंडक्शन हीटर के साथ जा रहा है। साथ ही ARP में बैरिंग इंडक्शन हीटर की एक स्पेशल फीचर है, तो यह है कि ये बैरिंग गर्म करने के बाद बैरिंग को डिमैग्नेटाइज भी करता है, यानी कि चुंबकत्व गुण को खत्म करता है बैरिंग के अंदर से जब वो गर्म हो जाते हैं उसके बाद, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। ये कैसे महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग बैरिंग इंडक्शन हीटर पर बैरिंग को गर्म करते हैं तो उसके अंदर चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हम लोग इसको इंडक्शन हीटिंग मैग्नेटिक फील्ड से गर्म करते हैं। और अगर बैरिंग को हम लोग उसी कंडीशन में यानी कि मैग्नेटाइज कंडीशन में हम लोग छोड़ देते हैं, तो जब हम बैरिंग को यूज करेंगे किसी मशीन पर लगाएंगे तो अपने साथ वो मेटल पार्टिकल्स यानी कि लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेगा जो कि बैरिंग की लाइफ को डैमेज करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ARP में बैरिंग इंडक्शन हीटर की। ये बैरिंग्स को गर्म करने के बाद डिमैग्नेटाइज यानी कि चुंबकत्व का गुण को खत्म करने का काम भी करता है। तो अब मैं डेमो को आगे बढ़ाता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ कि ARP में बैरिंग इंडक्शन हीटर एक 2-phase 440 वोल्ट मशीन है। इसके अंदर 3 वायर है, काला, लाल और हरा। ये हरा वायर 2 कलर में है, हरा और पीला, यानी कि एक ही वायर के ऊपर आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे जो कि हरा और पीला। आपको लाल वायर और काला वायर को फेज यानी कि पावर सप्लाई देना है और हरा या फिर पीले वायर को आपको अर्थिंग यानी कि ग्राउंड यानी कि जमीन में आपको लगाना है। ये आपको विशेष ध्यान देकर के करना है क्योंकि गलत पावर कनेक्शन से आपकी मशीन डैमेज। तो अब हम लोग डेमो को शुरू करते हैं। डेमो शुरू करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास में हमारे इस समय हमारे पास में जो जो उपकरण मौजूद है वो क्या क्या है, क्या क्या सामान हम लोग यूज करने वाले हैं डेमो के अंदर। एक 8 KVA ARP में बैरिंग इंडक्शन हीटर, इसके साथ में एक ये मैग्नेटिक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये मशीन ऑलरेडी पावर से हम लोगों ने कनेक्ट किया है। इसके साथ में 3 योग हैं, ये सबसे छोटा योग है जो छोटे बैरिंग्स के लिए यूज होता है। इसके अलावा इसके साथ में 2 बड़े योग हैं जो अलग अलग बड़े साइज के बैरिंग्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक डेमो शाफ्ट, ये लुब्रिकेंट जो कि हम लोग कॉइल्स के ऊपर या योग के ऊपर लगाते हैं उनको रस्ट से बचाने के लिए। 80-220 CW बैरिंग जिसको हम लोग डेमो में यूज करने वाले हैं। और थर्मल ग्लव्स, ARP में थर्मल ग्लव 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेयर टेम्परेचर बेयर करने के काम आते हैं। इससे हम लोग बैरिंग को हैंडल करेंगे जब बैरिंग गर्म हो जाएगा उसके बाद।
अब हम लोग अपना डेमो शुरू करते हैं। मैं ये क्लिपर 2.0 पैकेज को गर्म करने वाला हूं। इसके लिए मैं अप्रोप्रिएट योक यानी कि सही योक का चयन कर रहा हूं। और बड़ी पैकेज के लिए हम लोग बड़ा योक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस योक को बेरिंग मेथड सेंटर पर रखने से पहले मैं लुब्रिकेंट लगा रहा हूं ताकि कोई इसके ऊपर रफ ना लगे। यह हमें अपनी प्रैक्टिस में रखना चाहिए, हमेशा हमें लुब्रिकेंट लगाना चाहिए ताकि हमारा इंडेक्स सेंटर हमेशा सही कंडीशन में बना रहे। बेरिंग को बिल्कुल सीधा हम लोगों ने कर दिया। तो अब हम लोग टेम्परेचर सेंसर बेरिंग के बोर्ड पर कनेक्ट करते हैं। इस टेम्परेचर सेंसर का काम सिर्फ यही है कि ये मशीन को टेम्परेचर बताएगा। अब इस मशीन को चलाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता सकता हूं। ये मशीन दो मोड यानी कि टेम्परेचर मोड और टाइम मोड में काम करती है। आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 110 डिग्री 120 डिग्री जो भी टेम्परेचर आप सेट करना चाहिए वो कर सकते हैं। अपने टेम्परेचर पहुंचने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें टाइम मोड सेट कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से। तो उतने टाइम तक ये मशीन किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सामान को गर्म करती रहेगी, चाहे वो बेयरिंग है गियर है या कपलिंग है, लेकिन वो आपको टेम्परेचर नहीं बताएगा। टेम्परेचर बताने के लिए आपको बार बार ये बटन प्रेस करना पड़ेगा टेम्परेचर वाला और वहां पर कंडीशन के सेंसर लगा होना चाहिए। टाइम मोड का यूज आप बिना सेंसर के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा कि वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो सामान बेयरिंग या गियर कितना गर्म हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेमो में। पहले मैं आपको टेम्परेचर मोड के साथ में बेरिंग को गर्म करके दिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आपको डेमो दिखाएंगे टाइम मोड के साथ। इसके लिए सबसे पहले एमसीबी में ऑन करूंगा ताकि इंडक्शन हीटर को पावर सप्लाई मिल सके। उसके बाद कंट्रोल पैनल के ऊपर मैं पावर ऑन ऑफ का बटन है इसको प्रेस करूंगा ताकि ये मशीन ऑन हो जाए। उसके बाद जब ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी मैं बटन दबाऊंगा टेम्परेचर। अब आपको डिस्प्ले पर कुछ भी टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैरिंग को गर्म करते हैं। किसी भी बैरिंग को गर्म करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे वो छोटा बैरिंग हो या फिर बड़ा बैरिंग। हालांकि मशीन कैपेसिटी 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी गियर या कपलिंग को गर्म करने। एक और चीज, एक टाइम में आप काफी सारे बेरिंग भी गर्म कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर को सेट करने के लिए ये प्लस और माइनस बटन हम लोग यूज करते हैं। प्लस के बटन को दबा करके मैं टेम्परेचर सेट कर रहा हूं जो कि मैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये भी चलेगा। ये आप देख सकते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया। इसके बाद हम लोग पावर बटन दबाएंगे और 100% पावर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बटन को दोबारा दबाएंगे तो आप देख रहे हैं 25% पावर, बट हम लोग इसको 100% रन करेंगे। एंटर बटन दबाएंगे इसके बाद हम लोग साइड बटन दबाएंगे और हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। अभी ये बेरिंग गर्म होना शुरू हो गया। जैसा कि अभी बेरिंग इंडक्शन हीटर की साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ये साइकिल कंप्लीट होने से पहले एक बीप साउंड आएगा जो इंडिकेट करता है कि
डिमैग्नेटाइज हो रहा है। अब जैसे कि अब बैरिंग को गर्म होने के बाद हम लोगों को पकड़ के ताप के ऊपर माउंट करना है, ताप के ऊपर लगाना है, तो उसके लिए हम लोग थर्मल ग्लव पहनेंगे, जिससे कि इस बैरिंग को आसानी से पकड़ा जा सके। ये मैंने बैरिंग उठाया इंडक्शन हीटर से, इसको मैं थर्मल ग्लव से हैंडल कर रहा हूं, इजीली ये शाफ्ट के अंदर चला गया है। जैसे कि आपने देखा अभी तक हम लोगों ने जो डेमो परफॉर्म किया है वो टेम्परेचर मोड में किया है। अब हम लोग दोबारा उसी बैरिंग को उसी शाफ्ट सीट के ऊपर टाइम मोड में गर्म करके लगाने का प्रयास करेंगे। टाइम मोड का डेमो शुरू करने से पहले एक दो बातें जरूरी है टाइम मोड के बारे में जानने के लिए आपको बता देता हूं। टाइम मोड में ये सेंसर का यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर हम यूज करते हैं तो इसका हमें फायदा मिलेगा। अगर हम लोग सेंसर का यूज नहीं करते हैं तो हम लोगों को बैरिंग का टेम्परेचर या जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी सामान हम गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि मशीन सिर्फ टाइम को फॉलो करेगी। अगर आपने मशीन को कमांड दिए 5 मिनट टाइम का, तो 5 मिनट तक वो सामान को गर्म करती रहेगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर सेंसर लगाया है तो मशीन के चलने के साथ साथ आप टेम्परेचर वाला बटन दबा करके मशीन का टेम्परेचर भी देख सकते हैं। यहां पर हम लोग अभी बिना टेम्परेचर सेंसर के बैरिंग को गर्म कर रहे हैं टाइम मोड के साथ। मशीन को शुरू करने के लिए हम लोग एमसीबी ऑन करते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन हम लोग प्रेस करते हैं। जब तक ये लाइट ब्लिंक करती है तब तक हम लोग कोई और बटन नहीं दबाएंगे। उसके बाद हम लोग टाइम बटन प्रेस करते हैं, ये टाइम बटन है जो मैंने प्रेस किया है अभी। इसके बाद मैं प्रेस करूंगा पावर बटन, आप देख सकते हैं 100% पावर में अभी ये मशीन है। इसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, इसके बाद साइकिल, अभी साइकिल शुरू हो गई है इस बैरिंग को हीट करने की। ये मैंने बैरिंग उठाया है इंडक्शन हीटर से, इसको मैं थर्मल ग्लव से हैंडल कर रहा हूं, इजीली ये शाफ्ट के अंदर चला गया है। जैसे कि आपने देखा अभी तक हम लोगों ने जो डेमो परफॉर्म किया है वो टेम्परेचर मोड में किया है। इस वीडियो में हम लोग इंडक्शन हीटर का कंप्लीट डेमो देख चुके हैं, किस तरह से हम लोग मशीन को ऑपरेट करते हैं और कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सभी चीजें हम लोग जान चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप किसी भी एआरबी रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।